हेलो 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 उस साइड का आवाज बंद करना पड़ेगा वरना बहुत खराब हो जाएगा हेलो 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 इंटरनल जो तुम नहीं समझ सकता इट्स प्रेस्टिज पॉइंट जोक टीचर्स आर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ आर्स रिक्वायर्ड फिनिश सब्जेक्ट फ्टर दिस बैच जो मे ट्वेंटी फोर खत्म हुआ ना फाइनली तो हर किसी ने अपने रिवाइज नंबर ऑफ आर्स बढ़ा दिए <laughs> और वो इतने ज़्यादा हो गए कि प्रैक्टिकली बैच खत्म ही नहीं हो सकता उस नंबर ऑफ आर्स के हिसाब से तो मैं वो एक एक का मैसेज देख दे के हंस रहा है इसलिए और कुछ नहीं है आई एव नॉट रिटर्न एनी थिंग आई विल नॉट राइट एनीथिंग ऑब्वियसली क्योंकि मेरे को तो आखिरी चार दिन पढ़ाना ही पड़ता है नंबर ऑफ आर्स लिख के क्या होने वाला है हेलो 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 थोड़ा आवाज मेरे को लगता है कम रखना पड़ेगा तेरे को हेलो 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 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पूछते हैं आवाज आ रही है क्या Online students, please confirm I'm audible and visible to you. ओके okay. पहले ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट्स को सॉल्व कर देता हूँ सर प्लीज टेंटेटिव डेट कब तक ये ट्रैक खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी वी शुड बी एबल टू फिनिश बाय ट्वेंटी और ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फेब अकॉर्डिंग टू मी तब तक, तक खत्म हो जाएगा फॉर श्योर ट्वेंटी फेब टेंटेटिव मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली फॉर नेक्स्ट फिफ्टीन डेज नेक्स्ट हो गया एक ही क्वेश्चन था तुम्हारा परफेक्ट चलो लेट्स कंटिन्यू आर डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम गुड मॉर्निंग ग्रेट आज हम डिस्कस करेंगे एस ए टू थर्टी सबसे पहले कुछ तो फॉर्मेट खेला है तुमने मेरे को नहीं पता क्या किया है ये टीवी का फॉर्मेट खराब हो गया है क्या है किसने देखेंगे बाद में। टुडे विल एसए थर्टी दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड देन विल गो टू तो एसए 300। देखो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है दो इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर इंडिविजुअली एक सिंगल एसए को डिस्कस किया है वन चैप्टर इज

डिस्कशन हो चुका है 610 लास्ट डिस्कस किया जो एकदम नया एएसए था अब ऑलमोस्ट वही एएसएस हम पढ़ने वाले हैं जहां पर कोई बदलाव मेजर नहीं है बट इन एएसएस का ना वेटेज चेंज हो गया क्या चेंज हो गया वेटेज क्योंकि ओल्ड सिलेबस में 240 फ्रॉड एक सेपरेट चैप्टर था फाइव ट्वेंटी अनालिटिकल प्रोसीजर एक सेपरेट चैप्टर था 530, sampling, एक अलग चैप्टर था इस बार ऐसा नहीं है नए सिलेबस में प्लानिंग इज अ सेपरेट चैप्टर जो ओल्ड में भी था इस बार उसका वेटेज थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया है टू थर्टी डॉक्यूमेंटेशन को एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है इसीलिए इंटरमीडिएट लेवल पे अब मेरा डिस्कशन होगा मोस्टली उन essays के ऊपर जिनका वेटेज मुझे सबसे ज्यादा लगता है भले ही कुछ मेजर चेंजेस नहीं होंगे वहां पर बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव दे आर इंपॉर्टेंट चलो लेट्स स्टार्ट विथ एस ए टू थर्टी सबसे पहले दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एकदम सिंपल सा ऐसे है ये लेट मी जस्ट फाइंड आउट टू थर्टी वन सेकेंड

We'll continue our discussion with 230 Now, the name of 230 टेशन बहुत सिंपल सा ऐसे आपको फटाफट सेग्जाम से क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया करेंगे देखो ऑडिट में ऐसा बोला जाता है वॉट एवर यू डू मतलब आपका ऑडिट का प्लानिंग एग्जीक्यूशन आप कंक्लूजन तक कैसे आते हो एवरीथिंग वॉट यू डू यू नीट टू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट दैट यू नीट टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ दैट सो मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वी डू इन ऑर्डिट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है हमेशा याद रखिएगा

ऑडिट प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म किए हैं जो आप एविडेंसेस ऑप्टेन कर रहे हैं एंड जो आप कंक्लूजंस ड्रॉ कर रहे हैं मतलब रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग यू डू इन ऑडिट इज कॉल्ड एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अब डॉक्यूमेंटेशन में ना वो आपसे अलग-अलग क्वेश्चंस पूछता है कि सर व्हाट आर द

सर ये अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने का फायदा क्या है मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाई डू यू वांट टू डॉक्यूमेंट दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर कल को मेरा ऑडिट होने के बाद में कोई रिव्यू करने के लिए आता है कोई चेक करने के लिए आता है और ये वो चेक करना चाहता है कि मैंने काम बराबर से प्लान किया था क्या क्या मैंने यू you नो know, अपना ऑडिट बराबर से एग्जीक्यूट किया था क्या डिड आई ऑब्टेन एंड अचीव ऑल माई ऑब्जेक्टिव एज अ ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन इज अ वे जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड अगर आपने डॉक्यूमेंट किया होगा तभी आप ये प्रूव कर पाएंगे कि हमने ऑडिट को बराबर

प्लान किया गया था एंड परफॉर्म किया गया था हमने ऑडिट कैसे करना चाहिए एस पर एस एस करना चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे बाय विच आई कैन प्रूव ऑडिट वाज प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड आल्सो आई कैन आल्सो प्रूव विद द हेल्प ऑफ ऑडिट एविडेंस सॉरी विद द हेल्प ऑफ माय वर्किंग पेपर्स कि भाई हमने ऑडिट में जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उनको क्या किया है अचीव किया है ये दोनों चीजें प्रूव करने के लिए हमें क्या लगने वाला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है एक बार आप डेफिनेशन को वापस रीड कीजिए फिर ऑब्जेक्टिव एंड नेचर में से पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर ए इन दोनों को पढ़ लीजिएगा ये दो पॉइंट अगर आपको आएंगे तो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन पढ़िएगा एंड ऑब्जेक्टिव का पॉइंट नंबर बी एंड नेचर का पॉइंट नंबर ए

राधर अगले साल जब आप रेकरिंग ऑडिट करने के लिए जाएंगे मान लो ये पहला साल रहेगा ऑडिट एंगेजमेंट का अगले साल कंटिन्यू करेंगे एज ऑडिटर डोंट यू थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर ऑडिट्स में एज अ रेफरेंस के लिए कम में आएगा बिकॉज हमें जब नॉर्मली रेकरिंग ऑडिट में ओपनिंग बैलेंसेज वापस चेक करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में चेक किया होता है डॉक्यूमेंटेशन किया होता है तो बेनिफिट को पिक करते हैं विल इट ऑल्सो हेल्प मी इन यू नो रेफरेंस एंड सिग्निफिकेंट टू माई फ्यूचर ऑडिट्स ये तो पहला एडवांटेज सर अगर हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट मैटर्स को रिटेन करते जाएंगे जो हमारे लिए फ्यूचर ऑडिट्स में में काम में आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली वे हम फ्यूचर ऑडिट्स में इनको यूज कर सकते हैं दूसरा चीज डॉक्यूमेंटेशन अगर मेंटेन करेंगे तो कोई भी तरीके का रिव्यू रहेगा आपको याद है कॉन्सेप्ट पड़ा था क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये हम इंटरनल भी करवाते हैं और मैंने बोला था आईसीआई का एक रिव्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू क्या होता है रिव्यू 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 एस वो सब जब रिव्यू करने के लिए आएंगे तो आपका काम चेक कैसे करेंगे प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन मतलब सर अगर आपके क्वालिटी रिव्यू परफॉर्म करना है कोई भी इंस्पेक्शन करना है किसी भी तरीके से ऑडिटर ने बराबर काम किया या नहीं किया ये चेक करना है वो चीज पॉसिबल कब होगा ओनली एंड ओनली इफ यू मेंटेन गुड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन से ही आपका रिव्यू शुरू होता है वो वहीं से सोचेगा आपने बराबर प्लान किया था क्या हर एरिया को डिटेल में चेक किया था कि

और वर्किंग पेपर्स तो ई एंड एफ को पढ़िए दोनों सिमिलर है अगर आप चाहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना या कोई इंस्पेक्शन करवाना जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट होता है कहां पर सर एक्सक्यूसिवन का स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ये रिव्यू इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है याद है मैंने आपको बताया था इंटरनली भी फर्म्स अपने काम को रिव्यू करवाते रहते हैं एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी अपॉइंट करते हैं पार्टनर को भी अपॉइंट करते हैं वो भी क्या चेक करेगा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा कभी कभी आरबीआई हो गया एन एफ आर ए हो गया इन्हें लगता है अगर ऑडिटर बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करना चाहिए वो लोग भी जब करने के लिए आएंगे, आपका, काम चेक करेंगे मतलब, सर, आपका सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं किया है ऑडिट को बराबर से प्लान करके परफॉर्म किया है या नहीं किया है आपने करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एसे इसको रिव्यू करना पॉसिबल होगा इफ यू में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज दर टू यू आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको बाकी एडवांटेज करना और इजी हो जाएगा पेज नंबर वन ए पॉइंट थर्टी टू पर कैश एंड बैंक के लिए हम क्या क्या चेकिंग करेंगे कैश एंड बैंक के लिए इट्स ऑडिट प्रोग्राम पेज नंबर वन ए पॉइंट थर्टी टू हम कैश एंड बैंक में यह सब स्टेप लगाने वाले हैं ये स्टेप्स को परफॉर्म कौन किया है रिव्यू कौन किया है कौन सा स्टेप का डिटेल आपको कौन से वर्किंग पेपर पे मिलेगा अगर आप इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन करेंगे देखिए प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय डेट कब आपने काम किया था डोंट यू थिंक हम ऑडिट को पूरा बेहतर प्लान कर पाएंगे बढ़िया से लोगों को अकाउंटेबिलिटी दे पाएंगे सर स्टेप नंबर टू फॉलो किया था एमएफ ने एम कैन बी ए पर्सन नेम जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब अकाउंटेबिलिटी असाइन करने में डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा बराबर से प्लान करके ऑडिट को परफॉर्म करने में डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा ये तो एक बेसिक से से एडवांटेजेस आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलने ही वाले हैं इस क्लियर टू यू तरीके से आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए रीड पर्पस के अंदर पहले दो पॉइंट्स अभी पर्पस में जाइए रीड फर्स्ट टू पॉइंट्स इट विल हेल्प द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रॉपरली इट विल मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क सोचिए ना आपने अगर अपना इनिशियल लिखा है मतलब यू आर अकाउंटेबल उस काम के लिए अगर कोई गलती हुई तो जिसने इनिशियल लिखा है वो इंसान क्या होगा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा क्या आपको थोड़ा सा पर्पज समझ में आया क्या आपको यहां पर डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अलावा चार पॉइंट लिखना आना चाहिए पर्पस के बाजू में बेनिफिट्स भी लिख दीजिए दोनों में से वो किसी भी तरीके से ये मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है दो मिनट पढ़ के रिवाइज कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है मीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन क्या है समझ में आया पर्पस और बेनिफिट समझ में आया एंड ऑब्जेक्टिव और नेचर तो समझ में आ ही गया था सर

चीजों के लिए आप आइए पेज नंबर वन ए एज ऑडिट फाइल क्या मिलेगा आपको ऑडिट फाइल ऑडिट फाइल मतलब सर आप अपने वर्किंग पेपर्स या रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो चाहे ये फिजिकल फाइल हो या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आपने सेव करके रखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कुछ पेपर्स को फिजिकली आपको बॉक्स फाइल में डालकर रखना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली जो मेजर काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको हम डेटा बेस के अंदर लिख के रखते हैं जो एक्सेल के अंदर वर्ड में पीपीटी में रहता है कैन आई से वी हैव डॉक्यूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर्म एज एज वेल फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है अब सुनिए नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ऑडिट खत्म होने के बाद जब आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया ऑडिट खत्म होने के बाद जब आपने क्या साइन कर दिया ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया वहां से विद इन सिक्सटी डेज विद इन हाउ मेनी डेज सिक्सटी डेज

ध्यान रखिएगा आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है अब जब ये ऑडिट फाइल को असेंबल कर रहे हो ना ये कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं है आपको नया प्रोसीजर लगा के नया एविडेंस वगैरह ऑप्टेन नहीं कर रहे हो वो तो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ही कर लिया होगा ये असेंबली ना एक तरीके से सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम है किस नेचर का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने ऑब्टेन किए होंगे पेपर में ढंग से फाइलिंग नहीं किया होगा आपने प्रोसीजर लगा दिया एविडेंस ऑप्टेन किया लिखना बेंडिंग रह गया होगा अब आप बस डॉक्यूमेंट कर रहे हो मतलब कोई नया प्रोसीजर नहीं लगाया जा रहा है जो प्रोसीजर ऑलरेडी लगाया जा चुका है उससे बस आप क्या कर रहे हैं फाइनलाइज करके स्ट्रीम कर रहे हैं तो हो सकता है क्रॉस रेफरेंसिंग करना है पुराने डॉक्यूमेंट्स को हटाना है डिस्कार्ड करना है थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग रहेगा बट ऑलरेडी प्रोसीजर लगा लिया होगा एविडेंस ऑप्टेन कर लिया होगा ये सब हो सकता

नहीं चाहिए द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस माध्य वर्ड इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब कोई भी कोई नया इट डज नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू ऑडिट प्रोसीजर कोई नया प्रोसीजर नहीं आएगा कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का प्रोसेस होगा ये कीवर्ड्स वर्ड है

नहीं रहेगा इन्फॉर्मेशन का शॉर्टिंग कर सकते हो कुछ आपने चेकलिस्ट वगैरह भर ली होगी चेकलिस्ट वगैरह भर ली होगी इनवेंटरी चेकलिस्ट आपने भर लिया होगा बट आपने क्या नहीं किया होगा साइन ऑफ नहीं किया होगा वो आप साइन ऑफ करेंगे फिर पूरा कंप्लीशन होना चाहिए इसके लिए भी एक चेकलिस्ट होती है क्या होती है एक चेकलिस्ट बेसिकली क्या होगा ना लोग भूल जाएंगे कि अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ तो हर फर्म क्या करता है ना एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाता है सो इट्स कॉल्ड एज ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल का चेकलिस्ट वो चेकलिस्ट में ना ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं एक -एक करके. Example, होना होना ये इंटरनल है. है कि हमने सारा काम कर लिया है उसका हम बस क्या कर रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं कि ये सब कुछ रेडी है ना क्योंकि कल को कोई इंस्पेक्शन के लिए आया तो एंटायर फाइल शुड भी रेडी आप डायरेक्टली रिव्यू शुरू कर सकते हो तब मुझे ये कंपाइलेशन करने के नहीं जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो आप क्या करोगे एक और चेकलिस्ट देखिए साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट कि हमने फाइनल असेंबली प्रोसेस को क्या कर दिया है कंप्लीट कर दिया है चेकलिस्ट को साइन करके क्या लगा देंगे चिप देंगे चिपका दिस विल बी द लास्ट पार्ट रिमेंबर आप डॉक्यूमेंटेशन भी भी करोगे यहां पर यहां कोई भी नया प्रोसीजर लगाने वाले नहीं हो देखिए डॉक्यूमेंट कीजिएगा वो ऑडिट एविडेंसेस जो ऑलरेडी ऑप्टेन किए जा चुके हैं डिस्कस हो चुके हैं अग्री हो चुके हैं विद द विदिलवेंट टीम मेंबर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब पूरा एविडेंस कब ऑप्टेन कर लिया था ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही अब आप बस क्या कर रहे हो डॉक्यूमेंट कर रहे हो मतलब ध्यान रखिएगा इस असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल के दौरान कोई भी नया प्रोसीजर नहीं लगा रहे हो कोई भी नया एविडेंस नहीं ऑप्टेन कर रहे हो दिस वॉज ऑल डन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट दिस इज नाउ जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ वर्क इसीलिए पूरे टीम मेंबर्स को रखते ही नहीं हो ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ ना आपका टीम मेंबर खत्म जो टीम है वो खत्म हो जाता है सिर्फ आपका एंगेजमेंट पार्टनर एक या दो पर्सन रहेगा जो ये कंपाइलिशन वाला काम खत्म करेगा ताकि एक बार रिव्यू के लिए हमारे फाइल्स क्या हो जाए रेडी हो जाए इज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल क्लियर टू यू असेंबली ऑफ फाइनल क्लियर टू यू यहां पर तीन चीज पता होनी चाहिए नंबर वन नॉट मोर देन सिक्स दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर तीसरा इसमें आता क्या क्या है पॉइंट नंबर सिक्स एग्जाम्पल सो यू शुड नो पॉइंट नंबर प्रोसेस एंड यू शुड नो दिक्वायरमेंट इज नॉट मोर देन सिक्सटी डेज तीन चीज आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इज दिस क्लियर टू यू अब एक क्वेश्चन और आ सकता है सर ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स या डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक रिटेन करना होता है कितने साल तक रिटेन करना होता है यहां पे देखिए पॉइंट नंबर एट में आपको मिलेगा एसक्यूसी रिक्वायर्स दैट द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट shorter than दैट वर्ड 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अच्छा इसमें एक चीज सुन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है एक सीएफएस क्वाडेड था

डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट ग्रुप ऑडिटर मतलब CFS report समझ लो ग्रुप ऑडिटर मतलब कौन सा रिपोर्ट समझ लो सी एफ एस रिपोर्ट समझ लो तो जो भी बाद, वाला obviously, CFS का बाद में होना चाहिए बिकॉज सी एफ एस इज ऑन एंटायर कंपनी साइन होगा बाद में सी एफ एस साइन होगा समझा क्या वहां से कितने साल तक मेंटेन करना बेर मिनिमम सेवन इन इज दिस रहा हूं जो जो पॉइंट मार्क कराए एक बार रीड कर लीजिए आगे बढ़ेंगे डन चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए आगे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी आई है वन ए पॉइंट थर्टी वन एसक्यूसिवन ही एक चीज और बोलता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर्स ऑडिटर का ही ओनरशिप है ऑडिटर का ही प्रॉपर्टी है मतलब सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर प्योरली ओनरशिप का राइट right डिसीजन किसके पास में है ऑडिटर के पास में है अपने वर्किंग पेपर में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके कुछ पोर्शन निकाल करके क्या आप क्लाइंट को दे सकते हैं क्या आप थर्ड पार्टी को दे सकते हैं पहली बात तो ये डिपेंड करेगा ऑडिटर के डिसीजन पे किस पे डिपेंड करेगा ऑडिटर के डिसीजन पे क्लाइंट को जरूर हम लोग एक हमारे वर्किंग पेपर का एक्सट्रैक्ट या पोर्शन निकाल करके दे सकते हैं या पूरा वर्किंग पेपर भी क्लाइंट को दे सकते हैं रिमेंबर नॉर्मली थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए इट मे रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंसिलिटी मैनेजमेंट को एक्सेस दे तभी देंगे ओनली वेन इट इज रिक्वाड बाई लॉ ओनली वेन इट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट हिमसेल्फ उसके अलाउ किया जाएगा अदरवाइज नॉर्मली हमने सिर्फ क्लाइंट को अपने वर्किंग पेपर का एक्सेस देना है कि नहीं देना है ये तो हमारे पास ही रहेगा पर देना है या नहीं देना यह सोचा जा सकता है बाय द ऑडिटर आइए एसक्यू सीवन क्या बोलता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड लॉ एंड रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है ही मे एट हिस्स डिस्क्रिप्शन अपने डिसीजन पे पोर्शन या डॉक्यूमेंटेशन में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसको दे सकते हैं क्लाइंट को दे सकते हैं बट रिमेंबर ऐसे किसी भी डिस्क्लोजर की वजह से हमारे काम का वैलिडिटी खराब नहीं होना चाहिए हमारा अश्योरेंस एंगेजमेंट खराब नहीं होना चाहिए हमारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए मतलब डू नॉट गिव एक्सेस टू सच थर्ड पार्टीज जिनको आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शायद देना ही नहीं चाहिए था अगर उनको दे दिया इट विल रिजल्ट इन टू ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सिंपल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। इट एट कि वो पोर्शंस या एक्सट्रैक्ट या पूरा वर्किंग पेपर का एक्सेस किसी को दे सकता है कैन इट बी गिवन टू द मैनेजमेंट यस, इट कैन बी गिवन टू द कंपनी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है बट बाकी लोगों को एक्सेस देने से पहले सोचना इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ दी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क दट ही डन तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए लोग उसके काम के ही वैलिडिटी पे, पे नो क्वेश्चन करना शुरू कर दे उसके इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि उसने इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे थर्ड पार्टी को शेयर कर दिया डू यू अंडरस्टैंड द ओनरशिप स्पेंड वन मिनट पढ़ लीजिए एक बार तो देखिए अभी तक क्या 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 पड़ा सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग वी डू दूसरा चीज डॉक्यूमेंटेशन का मेजर पर्पस क्या है ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट था वो आपके बेनिफिट्स हैं भाई हम बराबर से ऑडिट प्लान कर पाएंगे लोगों को अकाउंटेबिलिटी दे पाएंगे बराबर से लोगों को डायरेक्शन दे पाएंगे काम सुपरवाइज कर पाएंगे कोई क्वालिटी रिव्यू वगैरह करेंगे इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम में आएगा वो लोग आसानी से चेकिंग कर सकते हैं प्लस इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर फ्यूचर ऑडिट्स अस तो इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंटेशन के कंपाइलेशन कितने दिन में होना चाहिए not more than 60 days retention period है? no shorter than 7 years documentation किसकी प्रॉपर्टी है ऑडिटर के. ये सब आपको समझ में आया इसके अलावा क्या चारमा के लिए पूछा जा सकता है इस ऐसे में लिमिटेड चीजें हैं अगली चीज को ढंग से पढ़िएगा इट इज कॉल्ड एज फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक हेडिंग मिलेगा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म मतलब फॉर्मेट कंटेंट मतलब एक तरीके से क्या चीज आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे एंड कितना डॉक्यूमेंट करेंगे दैट इज योर एक्सटेंट व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर वर्किंग पेपर व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ योर वर्किंग पेपर एंड टिल वॉट एक्सटेंट आप एक्चुअली डॉक्यूमेंट करेंगे सुनिएगा मेरा बात शांति से आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं वो एक्सम्पल देखिएगा आपका अंडरस्टैंडिंग इमीजिएटली आएगा यू विल सी फॉर्मेट क्लियरली देखिए कैश एंड बैंक के अंदर हम कैश इन हैंड चेक कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा है हमने प्रोसीजर क्या लगाया है वो लिखा है हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो लिखा है क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया वो लिखा है किसने काम परफॉर्म किया वो लिखा है किसने काम रिव्यू किया वो लिखा है कब ये काम किया गया वो लिखा है कैन आई से ये सब चीजें आपके डॉक्यूमेंटेशन में आनी चाहिए सर so, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए मतलब बेसिकली फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन कब बढ़िया होगा कब अप्रोप्रिएट होगा सुनिएगा 230 क्या बोलता है अगर एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत सालों से ऑडिट कर रहा है वो आपके वर्किंग पेपर को देख करके फॉलोइंग चीजें समझ सकता है मतलब सर अगर एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बहुत सालों से ऑडिट कर रहा है अगर वो आपके वर्किंग पेपर को चेक करके फॉलोइंग चीजों को समझ सकता है तो हम बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंटेशन अप्रोप्रियट है डॉक्यूमेंटेशन क्या है अप्रोप्रियट क्या क्या समझना चाहिए सर उसको उसको समझना चाहिए आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाया है मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म उसे समझना चाहिए आपने एविडेंस क्या ऑप्टेन किया है व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट एविडेंसेस यू हैव एक्चुअली ऑप्टेन उसे समझना चाहिए आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है उसे समझना चाहिए किसने ये काम परफॉर्म किया है किसने काम रिव्यू किया है कब ये काम परफॉर्म किया गया है क्या आपको ऑडिट के दौरान कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले हैं आपने उनको कैसे रिजोल्व किया था ये सब चीजें अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में है और एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ये सब कुछ समझ सकता है तो हम बोलेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट भी बराबर है कंटेंट भी बराबर है एंड एक्सटेंट भी बराबर है मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है अप्रोप्रिएट है आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है अप्रोप्रिएट तो उसे क्या क्या समझना चाहिए आइए अब आपको आंसर पढ़ाते हैं ये फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा answer will सिंपल फॉर यू वन एंटी एट सर हमने ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए जो कि सफिशियंट होगा टू इन एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका इस कंपनी से प्रीवियसली कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी वो समझ सकता है क्या क्या समझ सकता है सर हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया हमने क्या एविडेंसिस ऑप्टेन किया हमें ऑडिट के दौरान क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले किसने काम परफॉर्म किया था किसने काम रिव्यू किया था हमें जो सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे हमने कब कब किस किस से डिस्कस किया याद है क्या सब इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस होने चाहिए वी टी सी डब्बू जे मैनेजमेंट ये पॉइंट नंबर थ्री है और हमने कैसे कंक्लूजन ड्रॉ किया ये सब कुछ अगर आपके वर्किंग पेपर में लिखा है तो हम बोलेंगे आपके वर्किंग पेपर्स क्या है अप्रोप्रिएट है जैसे होने चाहिए थे एज पर एस टू थर्टी इज ए क्लियर टू यू एक बार पॉइंट वन टू थ्री को थ्रू कीजिए फोर्थ वाला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं वन टू थ्री पढ़िए फोर्थ आई विल एक्सप्लेन यू हेलो समझा आपको ये लास्ट वाला पॉइंट वो क्या बोलता है आपने मान लो कन्फर्मेशन लेटर भेजा होगा थर्ड पार्टी को आपके बुक्स में कन्फर्मेशन लेटर जब भेजा था आउटस्टैंडिंग बैलेंस था फोर करोड़ थर्ड पार्टी ने रिप्लाई किया आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ओनली वन करोड़ इज दर डिफरेंस क्या आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हाँ कोई भी इनकंसिस्टेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्या करोगे कैसे इसको सॉल्व करोगे रिजोल्व करोगे और सब कुछ क्या होना चाहिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कोई भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है एंड उसको आपने कैसे रिजोल्व किया है एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड दिस इज योर पॉइंट नंबर फोर समझा क्या ये सब हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होना चाहिए तब हम बोलेंगे हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसा है जैसा होना चाहिए एज एस पर एस टू तो एग्जाम exactly

कितना डॉक्यूमेंट करना चाहिए ये किस पे डिपेंड करेगा कैसे डॉक्यूमेंट करूं वो किस पे डिपेंड करेगा अरे वो ऑडिट पे डिपेंड करेगा ना यार अब ऑडिट किस पे डिपेंड करेगा सर ओवरऑल बिजनेस का साइज क्या है जनरल फैक्टर्स है कैसे प्रोसीजर लगा रहे हो ओवरऑल रॉम कितना है कैसा आपने एविडेंस ऑप्टेन किया है ऑडिट में सैंपलिंग क्या लगाया मेथोडोलॉजी क्या लगाया है दीज आर वेरी जनरल फैक्टर्स कुछ दिमाग मत लगाना फैक्टर वाले क्वेश्चंस की एक लिस्ट आपको भी दूंगा के अंदर, कि भाई ये है टू थर्टी में फाइव हंड्रेड में, में रीड करके चले जाइएगा एक क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल आ सकता है अदर दैट आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इसके बजायप्ट अच्छा है दिस इज वॉट योर फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट मीन पक्का आगे बढ़े चलिए अब दो चीजें और है देखो टाइमली प्रेपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एमसीक्यू के लिए अच्छा है ये क्या बोलता है अगर आप चाहते हो आपका ऑडिट का काम का क्वालिटी मेंटेन रहे आपके ऑडिट के क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना आए तो आपने डॉक्यूमेंटेशन ना

डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस विल हेल्प यू टू द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड लोग आपके काम को रिव्यू भी आसानी से कर पाएंगे इसीलिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के साथ साथ ही कीजिएगा अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज डन तो शायद आपका काम उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा तो अगर आप क्वालिटी बेहतरीन मेंटेन करना चाहते हैं रिव्यू बराबर से करवाना चाहते हैं तो टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते जाइएगा टाइम पास है एमसीक्यू में भली आ सकता है अभी गुड एग्जाम्पल्स ऑडिट प्रोग्राम बनाओ कोई तरीके का करो, मतलब जो मिले वो करके को भेजो कंफर्मेशन लेटर लेटर ले लोल्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हैं, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए मे बी फॉर एमजी आइए नेक्स्ट वन ए पॉइंट थर्टी अब दो चीजें मिलेगी थर्टी थर्टी वन पे थर्टी क्या बोलता है ऑडिट के दौरान जो भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं क्या हमने उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए ऑब्वियसली ऑडिट के दौरान वट एवर सिग्निफिकेंट भी कम अक्रॉस वी शुड डॉक्यूमेंट तो सर सिग्निफिकेंट कब कब मिलता है ऑडिट में जिस आपको लगता है रॉन्ग ज्यादा है मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है कहना से वो मैटर मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो मेरे को लिखना पड़ेगा जिस एरिया में जजमेंट इन्वॉल्व होता है वो एरिया में रिस्क ज्यादा हो जाती है वो एरिया में हमको चीजों को डॉक्यूमेंट बराबर से करना चाहिए कहीं आपको गलतियां मिलती है यू कम अक्रॉस अ मटेरियल स्टेटमेंट जिसकी वजह से आप क्या देने वाले हो मॉडिफिकेशन देने वाले हो इस चीज को डॉक्यूमेंट करोगे कि नहीं डॉक्यूमेंट करोगे कोई मैटर को आप आप की ऑडिट मैटर 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 में में लिखने वाले हो, में लिखने वाले वाले हो हो ईओ आपको लगता है है क्या ये सब चीज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए हाँ. तो सर आप एक सिग्निफिकेंट है कि नहीं है किस बेसिस पे चेक करोगे तो ये लिख डॉक्यूमेंट क्या करना चाहिए नंबर जब हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाया हमें लगता है वहां पर मटेरियल स्टेटमेंट है शुड बी डॉक्यूमेंट दैट यस सर यहां पर हमको लगता है कि भाई वी हमें हमारा जो ऑडिटर का रोम का असेसमेंट है उसे रिवाइज करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा एक एरिया में कंट्रोल बढ़िया है जब हम चेकिंग करने के लिए गए तो पता चला कंट्रोल्स आर वीक क्या ना इसे हमारा ऑडिट का जो रॉम का असेसमेंट है वो रिवाइज हो जाएगा हमने पहले सोचा कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग मतलब रॉम इज अंडर कंट्रोल जब पता चला कंट्रोल्स आर वीक कहना रॉम इज हाई कहना से हमारा रॉम रिवाइज हो गया तो हमारा बचावा प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा उस चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा या सर कोई भी ऐसी फाइंडिंग जिसकी वजह से मेरी रिपोर्ट में क्या आएगा मॉडिफिकेशन आएगा या जिसकी वजह से एक मैटर कहा इंक्लूड करेंगे ईओएम में इंक्लूड करेंगे कैम में इंक्लूड करेंगे वो सब मैटर्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स कहलाएंगे क्या मैंने उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना चाहिए एबसोल्यूटली ऑल दीज मैटर्स शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड दीज आर द एग्जाम्पल्स नीचे एक पॉइंट और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कहाँ कहाँ कितना प्रोफेशनल जजमेंट जजमेंट यूज जहां ज्यादा आता है उन मैटर्स को हमने बढ़िया से डॉक्यूमेंट करना ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने थर्टी मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया कोई ऑल्टरनेट डेट को किया तो ऑल्टरनेट डेट को हम अटेंड करने के लिए जाएंगे बट थर्टी मार्च से चार अप्रैल जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ बीच के तीन चार दिन में क्या परचेजेस हुए हैं क्या सेल्स हुए हैं उनको हमने रिकनसेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए चेकिंग भी करना चाहिए और डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए ये सब किस पे डिपेंडेंट है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंडेंट है समझा क्या इज दिस क्लियर टू यू दीज आर द एग्जाम्पल्स वॉट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एमसीक्यू में ये एक अच्छा आ सकता है कंप्लीशन मेमोरेंडम मतलब जब ऑडिट खत्म हो जाए ना उसका एक समरी बना लो ऑब्वियसली जब ऑडिट कंप्लीट हो गया समरी क्या बनाओगे पूरे ऑडिट में क्या क्या सिग्निफिकेंट मिला हमने क्या प्रोसीजर लगाए क्या कंक्लूजन आया क्या ना इसे समरी से पता चल जाएगा हम क्लीन ओपिनियन दे दे रहे दे रहे कि मॉडिफाइड में कंसिडर की वो क्या करेगा एक डॉक्यूमेंटेशन करेगा समरी बनाएगा क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले कैसे उनको एड्रेस किया पॉइंट नंबर टू को मार्क कीजिएगा इसका फायदा क्या होगा सर द समरी विल हेल्प फॉर इफेक्टिव एंड एफिशियंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन जो बोल रहे थे ना आपके काम का रिव्यू कर पाएंगे वो इस समरी की वजह से बहुत इजिली रिव्यू कर पाएंगे एक समरी मेंटेन कर रहा पूरे ऑडिट का क्रक्स मतलब इट्स लाइक अ समरी ऑफ योर एंटायर ऑडिट हमें इन इन एरिया में रिस्क ज्यादा लगी थी इन इन एरिया में हमने डिटेल में प्रोसीजर लगाया था यहां पर हमें गलतियां मिली क्या एडजस्ट हुई क्या एडजस्ट नहीं हुई अभी तक मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है और हमने क्यों इसकी वजह से क्या दे दिया है मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है या क्लीन ओपिनियन दे दिया है वो प्रॉपर समरी के फॉर्म में होना चाहिए दिस विल असिस्ट फॉर अ प्रॉपर रिव्यू एंड आप एज अ ऑडिटर भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरा ओपिनियन क्या है बराबर है इज दिस क्लियर टू यू यूट टू थर्टी खत्म कुछ भी नहीं है एग्जाम से विं का दिमाग लगाओगे पर्पस को मार्क कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फोर मार्क क्वेश्चन फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट फोर मार्क क्वेश्चन उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स वन ए पॉइंट थर्टी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स वो जरूर फोर मार्क के लिए आ सकता है दट इट बाकी सब एम सी क्यू करेक्ट थिंग करेक्ट वन मार्क टू मार्क दैट्स इट नथिंग एल्स कॉन्फिडेंस आया क्या सी हर ऐसे को एकदम थोड़ा लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको थोड़ा एफर्ट ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा बार बार बोल रहा हूं इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके लिए पूरा रीडिंग मैं कर सकता हूं जो ऐसे बहुत छोटा है वो मैं चलो भले डिटेल में डिस्कस कर लूंगा जो ऐसे बहुत बड़े रहेंगे थ्री वन फाइव थ्री हंड्रेड वगैरह वो तो मैं लाइन में लाइन पढ़ा भी नहीं पाऊंगा यार दट इज एज गुड एज टीचिंग फॉर एट टेन आवर्स एंड आईव टू फिनिश दैट इन वन वन एंड हाफ आवर तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है हर लाइन को पढ़ना बट मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ जब आप पढ़ो तो आप ये सोचो ही मत कि मेरे को पूरा टू आना चाहिए आप सोचो टू में, में मेरे को पूछेगा क्या मेरे को उतना पार्ट आना चाहिए इतना सोचोगे प्रिपरेशन बढ़िया होगा कॉन्फिडेंस भी आएगा और कोई सा भी क्वेश्चन देख लो मैं सबसे बुरे से बुरे क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊंगा ना तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी चलो एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं टू थर्टी पेर चैप्टर नंबर सिक्स पहले आईसीए मॉडल के क्वेश्चन दिखाता हूं जो अभी उन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किए चैप्टर नंबर सिक्स डॉक्यूमेंटेशन मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे फोकस करूंगा डायरेक्टली रीड क्वेश्चन नंबर वन During the course of audit, an issue arose relating to the treatment of interest cost of company on its restructured loan. This important matter was discussed with the CFO of the company and was properly resolved. Is it necessary for the auditor to include in its working papers? Obviously, है। हमको लिखना चाहिए ना working paper में क्या matter था, किससे discuss किया, क्या procedure लगाया, कैसे resolved हुआ? अगर ये लिखूँगा, तभी तो मेरा documentation prove कर पाएगा in the future कि मैंने audit बराबर से किया था। अब आंसर पढ़ के देखो ऐसे क्वेश्चन है कोई आंसर ऐसे पहली बार ही आ सकते हैं ये नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको दिखाऊंगा आज तक जो आई से आई ने दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग पे है और ऐसा हो सकता है इस बार पहली बार स्टडी मटेरियल में दिया है मतलब पहली बार एग्जाम में आना शुरू भी हो जाए इसीलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो जरा एक बार आंसर और इट डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस्ड वेन एंड विथ होम देर डिस्कस्ड इन द इंस्टेंट केस आंसर खत्म हो गया कॉपी करेगा क्वेश्चन को हमें कुछ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट के रिगार्डिंग इंपोर्टेंट मैटर मिला ऑल दो ये इश्यू रिजोल्व हो गया बट फिर भी हमने डॉक्यूमेंट करना चाहिए इसके लिए क्या याद करने की जरूरत है कुछ भी नहीं थोड़ा बस पता होना चाहिए कि इस इज अग्निफिकेंट मैटर ये अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना एक्साम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर उसमें से उसने Are you this? But ऐसे दो मार्क तीन मार्क मतलब दे के नोट भी फाइव मार्क क्वेश्चन लिखने के लिए चार पांच पॉइंट ही नहीं है सो so ये वो दो तीन क्वेश्चन मिक्स करके पूछेगा सिचुएशन देगा बोलेगा ये करना चाहिए क्या फिर बोलेगा नॉर्मली वर्किंग पीपल्स का प्रॉपर्टी किस ओनरशिप किसके पास में होता है रिटेंशन पीरियड क्या है वो दो मार्क एक मार्क ऐसे डिवाइड करके चार पांच मार्क का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इज आर यू चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए रीड दिस सी एस सोनाली हैज कंप्लीटेड कंपनी ओके द ऑडिट रिपोर्ट डेटेड फिफ्टीन जुलाई हैज इशूड हाउ एवर ऑडिट वर्किंग पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन रीच्ड है इश्यू ऑफ यू नो वेर दे आर गोइंगी डेज वे Subsequently, she has received a letter from the regulator in connection with the audit, requesting her to share a copy of audit file. The letter has woken her up from the deep. Sorry thi wo jag gayi She hurriedly usne फटाफट से अपना audit file assemble किया and inserted कर दिए कुछ papers को जो necessary लगे. However, she put current date on these inserted papers. कौन से बेवकूफ आदमी ये करेगा? Obviously नहीं लिखेगा ना आज का date. आज का date लिखेगा तो non-compliance of S. Q. C. One मिलेगा सीधा सीधा.

हमारा रिव्यू बढ़िया हो पाएगा इवेलुएशन एविडेंस का बराबर हो पाएगा सर so, डॉक्यूमेंटेशन जो हम बाद में प्रिपेयर करते हैं आफ्टर द ऑडिट वर्क इसका मतलब यू नो दैट्स नॉट एक्यूरेट दैट्स नॉट बेनिफिशियल ऑडिट क्वालिटी खराब हो जाती है इन द गिवन केस क्या उन्होंने जो किया वो गलत था हा ये टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है जिधर दिमाग लगाना पड़ेगा सोच के लिखना पड़ेगा यहां या डायरेक्टली चार पॉइंट नहीं है लिखने के लिए यू लेव टू यूज योर ब्रेन एंड थिंक अराउंड इट बट अगर आप सोचो तो क्वेश्चन से ये आंसर तो पिक कर सकते थे

अब देखो वो थे दो डेंजरस अब आगे बीकॉम लेवल क्वेश्चन गया पूरा का पूरा परपस दो पूछे सारे के सारे कॉपी पेस्ट किए ये क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगा हो गया? कुछ भी नहीं है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यू शुड बी हैप्पी, 230 थर्टी भी गारंटीड क्वेश्चन आएगा चार नंबर देके जाएगा तुमको मैं लिख के बोल रहा हूं इट इज लाइक गुड थिंग तो आप इसी तरीके से जाइए वो वो स्टैंडर्ड्स को पिक कीजिए जो आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कैन वी गो नेक्स्ट चले आगे बढ़ेगा लेट्स गो टू एस ए थ्री हंड्रेड थोड़ा चैलेंजिंग है टाइम लगेगा विल डे वुड टाइम

तो मतलब बराबर से अगर प्लान करेंगे तो फायदा क्या होगा भाई जिन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स है वो जल्दी मिल जाएंगे हम उन एरियाज पे बेहतर फोकस कर पाएंगे जहां पर हमको लगता है रिस्क ज्यादा है अरे बराबर है, नहीं है। कि नहीं है क्या से हमारा काम बराबर से ऑर्गेनाइज हो पाएगा डायरेक्शन बराबर से दे पाएंगे लोगों काम सुपरवाइज बराबर से कर पाएंगे ये हमारे मेजर बेनिफिट्स हैं फिर सर सही लोगों को सेलेक्ट करना उन्हें काम अलोकेट करना इस सब कुछ अच्छे से हो पाएगा अगर प्लानिंग बराबर से होगा आइए व्हाई प्लानिंग इज नेसेसरी सबसे पहले पॉइंट नंबर को मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन सर प्लानिंग का फायदा क्या है हम उन एरिया पे अटेंशन डिवोट कर पाएंगे जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है मतलब जिधर रॉम ज्यादा है भाई हम प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करके रिजोल्व कर पाएंगे ऑन अ

ब्रांच ऑडिटर्स वॉट इफ देर आर ज्वाइंट ऑडिटर्स तो प्लानिंग और एसेंशियल बन जाएगा बिकॉज कोर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है सो यू कैन कोर्डिनेट योर ओवरऑल वर्क बेटर इफ देर आर कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स इन्वॉल्व कॉम्पोनेट ऑडिटर्स मतलब ऊपर लिखिए ब्रांच ऑडिटर्स अगर ब्रांच ऑडिटर्स इन्वॉल्व है या कोई एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है तो शायद कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा मतलब एक तरीके से बेहतर प्लानिंग ऑलमोस्ट एक तरीके से आपको बेहतर ऑडिट करने में हेल्प करेगा विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ऑडिट क्वालिटी में बी कॉम्प्रोमाइज स्पेंड टू मिनट्स प्लानिंग के एडवांटेजेस बेनिफिट्स वाई प्लानिंग नेसेसरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से रीड कीजिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू

अब अगर एक दिन में एक ही ऐसे तो एक ही लिख लो भली कोई दिक्कत नहीं है दो ऐसे तो दोनों से एक एक पिक करके लिख लो ये फॉलो कर लो आप जेन्युनली बोल रहा हूं स्टैंडर्ड्स में आंसर लिखने में कभी कभी तकलीफ होती है दैट इज वाई आपको क्लास में लिखाते रहता था पूरे टाइम तक ताकि आपका हैबिट बना रहे है। पर अब मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करें एक दो एक दो क्वेश्चन लिखते रहे वो जो मिशनियस चैप्टर्स होते हैं ना उसमें स्ट्रेस नहीं आता है क्योंकि उसमें ना हर चीज पढ़ी ऐसी होती है कि ये क्वेश्चन है आंसर है स्टैंडर्ड्स में क्या होता है अनफॉर्चुनेटली पहले स्टैंडर्ड समझना पड़ता है फिर क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है और थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी आ भी सकते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्यून मॉड्यूल निकालने का आईसीआई का स्टडी मटेरियल निकालने का जो भी है क्वेश्चन पढ़ने का और आंसर पढ़ने का नहीं समझ में आ रहा आंसर पढ़ने का फिर तो समझ में आएगा फिर लिखने का आज अपने आप को डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो टेस्ट करके कि मेरे को क्यों नहीं आता है। और नहीं आता इसलिए तो पढ़ रहे ना आता तो पढ़ाई थोड़ी करता था फालतू में तो अभी पढ़ाई करना अगर नहीं आया एक बार में इट्स ओके रीड दी आंसर देन राइट दी आंसर मतलब जस्ट फॉलो दिस अप्रोच थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद से वरना देखो मेरा जॉब खत्म हो जाएगा बट so ये, है, है. ये आपके लिए सफिशियंट नहीं होगा इसके साथ में आप थोड़ा भी खुद का प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप पर्फेक्ट, मतलब पर्फेक्ट फिट जाएंगे। फिर आप उस ऐसे रिलेटेड पूरा करेक्टिंग इन करेक्ट प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो मतलब वो अप्रोच फॉलो करो कि मेरा अगर मैं फास्ट ट्रैक देख रहा हूँ रिविजन देख रहा हूं साथ साथ में करके वो चैप्टर खत्म हो जाए मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग दैट जस्ट फॉलो दिस ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ओके चलिए प्लानिंग क्यों नेसेसरी है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू शुड नो दिस कैसे भी पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा फाइव प्लानिंग इज नेसेसरी या एक सिचुएशन दे देगा घुमा फिरा के बोलेगा तुम सीनियर हो तुमने ढंग से प्लान नहीं किया अगर प्लानिंग करते तो क्या फायदा होता कुछ भी करे घूम फिर करके पूछेगा प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट अगर ऑडिट ढंग से करने का है तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये वो आपसे पूछेगा इज दट क्लियर टू यू देखो नीचे क्लाइन लिखा है देर फॉर प्लानिंग विल इंश्योर दैट आपका क्या रिस्क हो जाता है ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल अरे ऑडिट रिस्क मतलब एक ही रिस्क है यार जो मैंने ओपिनियन दिया वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसमें एक ही सिचुएशन आती है मैंने देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन पर मैंने दिया है क्लीन ओपिनियन मैंने देना चाहिए था मॉडिफाइड पर दिया है क्लीन दिस इज अ रिस्क दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क एंड हर ऑडिटर चाहेगा ये रिस्क कम से कम रहे जीरो तो नहीं हो सकता है उसको क्या करना चाहेगा रिड्यूस करना चाहेगा इसके लिए वो चाहते हैं आप बराबर से क्या करें प्लानिंग करें मतलब कहना से इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन अप्रोप्रियट ओपिनियन कहना से दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क द रिस्क ऑफ इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन मतलब आप गलत ओपिनियन देना नहीं चाहते हैं इसके लिए भी प्लानिंग कीजिएगा इज दैट क्लियर टू यू दूसरा चीज पहली बार इंटरमीडिएट में क्योंकि प्लानिंग को एज अ वास्ट चैप्टर कवर किया है प्लानिंग प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है इसमें जो सबसे दिमाग लगाने वाला पार्ट है वो है प्लानिंग एक्टिविटीज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वेयर अ फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन इज देयर हाँ, दोनों चीज पता होना चाहिए एक होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब एंगेजमेंट शुरू करने के पहले क्या एक्टिविटी लगाना है एंड दूसरा होता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटी आएगा ऐसे का मेजर फोकस प्लानिंग पे है इसलिए प्लानिंग एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है दो मिनट बता के रिवाइज करवा देता हूं ये मेजर डिस्कशन होगा आपके एस ए 220 एंड एसेट 210 से कहां से होगा एसेट 220 एंड 210 नीचे लिख भी लो एरो बना के प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के नीचे लिख दो 220 एंड 210 मेजर डिस्कशन होगा 220 पे एंड 210 पे प्लानिंग एक्टिविटीज पूरा का पूरा थ्री 300 का पार्ट है सुनिए व्हाट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी सुनिएगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो मैंने एंगेजमेंट शुरू करने से पहले लगानी चाहिए याद कीजिएगा आपको 220 ट्वेंटी में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एंगेजमेंट पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमने नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है या सर सेम क्लाइंट है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ये करना चाहिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है एंगेजमेंट पार्टनर का है ये एनालिसिस के बाद डिसाइड करेंगे ना ऑडिट करना भी है कि नहीं करना है तो

ऑफ टीम मेंबर्स देखना पड़ेगा याद है क्या रखिए ऑल आर कंप्लाइंग विपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा ये सब कुछ इसका पार्ट है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है आइए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में तीन चीजें मिलेंगी मार्क ए बी सी इंपोर्टेंट नंबर वन

मतलब ये एक्चुअली में दोनों साथ साथ में आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस बट एक्सेप्टेंस इज फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूएंस इज फॉर रेकरिंग ऑडिट कहा है एस ए टू ट्वेंटी में उसी के ही अंदर पॉइंट नंबर बी भी डिस्कस किया देखिए इवेल्युएट कीजिए दैट आपके टीम मेंबर्स कंप्लाई करते हैं विथ ऑल व्हाट सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस सेम टू ट्वेंटी में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था रादर आपको तो डिटेल में चैप्टर भी पढ़ाया थ्रेड टू इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या कोई भी मिलता है, आइडेंटिफाई करना चाहिए फिर इमीजिएटली एक्शन लेने का ट्राई करना याद है क्या? लगाने का try करना चाहिए, टू एलिमिनेट दीज थ्रेड सब कुछ चैप्टर नंबर इलेवन में पढ़ाया है ये वहीं से चैप्टर इलेवन में ही टू है आपका वही पिक करके यहाँ पर क्या है कंट्रोल सी कंट्रोल भी है ए एंड बी दोनों कहां से आ रहा है एसे टू ट्वेंटी से किधर लिखा है आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर याद टू यू थर्ड वाला है तो एंगेजमेंट करके क्लाइंट एक्सेप्ट करना है तो एंगेजमेंट टर्म्स को तो समझ के क्या करना पड़ेगा अग्री करना पड़ेगा पॉइंट नंबर सी देखिए स्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ब्रैकेट में लिखिए एस ए टू वन जीरो ब्रैकेट में लिखिए एस ए टू वन जीरो दैट कॉल्ड एज अग्रिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज करवा देंगे आपको दो तीन दिन में डोंट वरी दैट इज कॉल्ड एज अग्रिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मतलब सुनिए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ऑडिट शुरू करने के पहले कुछ एक्टिविटीज आएगी इसमें सबसे पहले क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है या पुराना क्लाइंट है तो कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है फिर हमारे टर्म उसको समझ करके अग्री करना है कि नहीं करना है इसके बाद में क्या शुरू होगा ऑडिट शुरू होगा क्या इसे इस ऑडिट शुरू होने के पहले की जो एक्टिविटीज है वो क्या कहलाएगी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्लियर है क्या नीचे आइए एंड बी दोनों के दोनों टू ट्वेंटी से आ रहे हैं जो पॉइंट मार्क करवाता हूं मार्क कीजिएगा रीड कीजिएगा इमिजिएटली याद आ जाएगा आपको पॉइंट नंबर थ्री को मार्क कीजिए ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ा है आपने कुछ इस कमिंग फ्रॉम टू ट्वेंटी लिखवा के दिया आपको पूरा का पूरा इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर्स कॉम्पिटेंस ऑफ टीम कुछ करंट ईयर ऑडिट में या प्रीवियस ऑडिट में ऐसा कोई मैटर मिला है क्या जिसकी वजह से लगे या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ये सारे के सारे मैटर्स ना आपके ए एंड सी एनालिसिस है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस 220 में क्वेश्चन के साथ में प्रॉपर आंसर लिखवा के दिया है हा या ना पक्का यस और नो पॉइंट नंबर बी को मार्क कीजिएगा एज वेरी इंपॉर्टेंट एस क्यू बी को मार्क कीजिएगा एज वेरी इंपॉर्टेंट एस क्यू सेम चैप्टर इलेवन से आ रहा है इंडिपेंडेंस क्या होता है याद कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसा मैटर अगर एंगेजमेंट पार्टनर के अटेंशन में आता है जो बोलता है हमारे टीम मेंबर्स आर नॉट कंप्लाइंग रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो हमने क्या लेना चाहिए अप्रोप्रियड एक्शन लेना चाहिए पूरा 220 में लिखवा के दिया आपको 220 चैप्टर इलेवन का कॉम्बिनेशन ही है सर एज अ एंगेजमेंट पार्टनर हमने इंश्योर करना है हमारे टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट एंड एथिकल एनीथिंग दैट वी बिलीव दैट कैन बी ए थ्रेट टू देर इंडिपेंडेंस क्या हमने उसको आइडेंटिफाई करके एक्शन लेने का है हां सर इसमें एक्शन क्या लोगे या तो उन टीम मेंबर को टीम से बाहर निकाल दोगे और याद है कि अगर आप खुद उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है एक्सट्रीम केस में तो सर आइडेंटिफाई द थ्रेट्स अप्लाई सेफ गार्ड सेफ गार्ड के बावजूद भी अगर रिस्क या थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं रिड्यूस नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे विदड्रॉ कर देंगे सब कुछ पूरा का पूरा आपको टू ट्वेंटी एंड चैप्टर इलेवन में कंबाइन करके पढ़ाया है डिटेल के अंदर वही पॉइंट लिखे हुए हैं सारे इन्फॉर्मेशन निकालो कैन देर बी एनी सरकम स्टैंसेस दैट कैन क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फिर सर एक अप्रोप्रियट एक्शन लो टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स या उसके रिस्क को रिड्यूस करने का ट्राई करो और रिड्यूस ना कर पाओ तो लास्ट में क्या करोगे विड्रॉल कर दोगे एंड हर एक चीज के बारे में विल यू प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू होम सर याद क्या टीसी जी एन मैनेजमेंट तो आपके टीम मेंबर ने फर्म को बताना चाहिए एंड फर्म ने किसको बताना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को बताना चाहिए हर एक इंडिपेंडेंस रिलेटेड मैटर के बारे में पूरा का पूरा आपका डिस्कशन 220 एंड चैप्टर 11 में हुआ है पर मुझे लगता है ये पॉइंट नंबर बी एक सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकता है 1 बी.3 मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट बाजू में लिखिएगा दिस कंटेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एसए टू ट्वेंटी एंड चैप्टर इलेवन उसके साथ में रिवाइज करेंगे तो दिमाग चलेगा ये पूरा का पूरा वहां एकदम डिटेल में लिखा उसका सबर लिखी है और यह आपके नोटबुक के अंदर भी है किधर मिलेगा चैप्टर इलेवन में मिलेगा जब आपने टू ट्वेंटी रिवाइज किया होगा तो समझेगा पढ़ोगे एक बार घर जाकेच यस और नो दिस इज इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट क्या आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी समझा इसमें ए एंड बी डिटेल में बताया थर्ड वाला पॉइंट टाइम पास है एंगेजमेंट को समझना और क्या कर लेना अग्री कर लेना उसमें कुछ भी ग्रेट नहीं है नहीं आता कुछ भी टेंशन मतलब इस प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्लियर टू यू मतलब इसीलिए इधर क्या दिमाग लगाने का है 220 एंड 210 उसमें मेजर फोकस किसके ऊपर 220 के ऊपर तो यह पार्ट खत्म हो जाएगा कैन आई गो टू प्लानिंग एक्टिविटीज नाउ पक्का चलिए आइए प्लानिंग एक्टिविटीज में यहां पर ना भी तीन चीजें आएगी जिसकी मैं वन सेकेंड ओके okay, प्लानिंग एक्टिविटीज में तीन चीजें आएगी एक आएगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एक आएगा ऑडिट प्लान एंड तीसरा आएगा ऑडिट प्रोग्राम तीनों के बारे में ओवरव्यू देता आई विल एक्सप्लेन यू स्पेसिफिक सुनिए जब हम एक प्लान बनाते हैं फॉर वन स्पेसिफिक एरिया जब हम प्लान बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एरिया कैश में क्या चेक करूंगा रिस्यूबल्स में क्या चेक करूंगा पेबल में क्या चेक करूंगा इनवेंट्री में क्या चेक करूंगा वेन यू मेक अ प्लान फॉर एरिया इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम मतलब ऑडिट प्रोग्राम सबसे लोएस्ट लेवल हो गया जहां पर हम डिटेल में प्लान करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम तीनों का डेफिनेशन बताऊंगा डोंट वरी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हेल्प यू आउट एवरीथिंग सुन लीजिए व्हेन यू मेक अ प्लान फॉर अ स्पेसिफिक एरिया इट्स कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम जब आप

के लिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो ओवरऑल ऑडिट प्लान बन जाएगा तो क्या बन जाएगा ओवरऑल ऑडिट प्लान ये सब लिखना नहीं है समझना है लिखना क्या है बताऊंगा तीसरा चीज ये प्लानिंग से भी पहले मतलब प्लान बनाने से भी पहले होता है स्ट्रेटजाइजिंग क्या होता है स्ट्रेटजाइजिंग मतलब इंगेजमेंट पार्टनर इंगेजमेंट शुरू करने से पहले सोचता है भाई इस क्लाइंट का टाइमलाइन क्या है स्टार्ट डेट क्या है एंड डेट क्या है सर इस क्लाइंट में कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए कोई ब्रांच ऑडिटर आएगा क्या कोई एक्सपर्ट को यूज करना होगा क्या ये चीज मतलब ओवरऑल हमारा स्कोप क्या होगा ओवरऑल हमारा ऑडिट का टाइमिंग क्या होगा ये डिटरमाइन करने के लिए क्या बनाया जाता है कर देंगे. पहले एक महीने के अंदर ये फोकस किया जाएगा लास्ट पंद्रह दिन में इधर दिमाग लगाया जाएगा मतलब इट्स जनरल स्ट्रेटेजाइजिंग दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बट रिमेंबर स्ट्रेटेजाइजिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता है तो कहना स्ट्रैटेजाइजिंग सबसे पहले होता है फिर आपका प्लान बनता है स्ट्रेटेजाइजिंग जनरल होता है प्लान डिटेल में होता है बट क्या स्ट्रैटेजी के ऊपर रिलेटेड है इज दिस क्लियर टू यू अब आपको सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट क्या है वो आना चाहिए दैट इज द मोस्ट कॉमनली लिया क्वेश्चन फ्रॉम प्लानिंग एक्टिविटीज प्लानिंग एक्टिविटी में तीन चीजें हैं स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्लान इंक्लूड्स योर ऑडिट प्रोग्राम तो देर आर थ्री थिंग्स स्ट्रैटेजी प्लान एंड प्लान में ही तीसरा चीज क्या आता है ऑडिट प्रोग्राम ये तीनों चीज मिलके क्या बनती है प्लान बनती है पहला आइए व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा ये डेफिनेशन है ये आपने घोट के पी लेने का है स्ट्रेटजी पे कुछ भी आए आपको पहला लाइन लिखना पड़ता बहुत आसान है तीन ही वर्ड है स्ट्रेटेजी मतलब एनीथिंग दैट सेट्स द स्कोप ऑफ ऑडिट

टू डिसाइड योर स्कोप ऑफ ऑडिट योर टाइमिंग ऑफ ऑडिट योर डायरेक्शन स्ट्रेटी गाइड इन डेवलपमेंट ऑफ योर ऑडिट प्लान क्योंकि स्ट्रैटेजी के बाद में ही क्या बनाया जाता है प्लान डेफिनेशन को पढ़ लीजिए दो बार मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान है सिंपल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है रीडिनेशन अगेन ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब ये इधर डेफिनेशन था क्वेश्चन पूछेगा क्या फैक्टर्स दिमाग में रखोगे स्ट्रेटेजी बनाते वक्त क्या फैक्टर्स दिमाग में रखोगे स्ट्रेटेजी बनाते वक्त पांच फैक्टर्स दिए देखो नंबर वन क्या बोलता है? हमारे इस एंगेजमेंट का माग द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोलता हूं, इस एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मतलब स्कोप क्या है मतलब हमारा स्कोप क्या है क्या क्या चेक करने का है किस किस चीज के लिए ब्रांच ऑडिटर रहने वाला है मतलब ओवरऑल हमारा एंगेजमेंट का हमको स्कोप समझ में आ जाएगा हमें सेटरी ऑडिट करना है साथ साथ में टैक्स ऑडिट भी करने का है सर सैट्यूटरी ऑडिट में कितने सेगमेंट में चेक करूंगा कोई एक आध सेगमेंट कोई और चेक करने के लिए आएगा क्या दिस इज माई कैरेक्टर ऑफ ऑडिट दूसरा सी वर्ड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव दिस इज योर टाइमिंग मतलब मुझे कब ऑडिट शुरू करना है कब ऑडिट खत्म करना है किसे कम्युनिकेट करना है किसे कब कम्युनिकेट करना है ये सब कुछ कहां पर आएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पहला इज योर स्कोप दैट इज कैरेक्टर दूसरा इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव दैट इज योर टाइमिंग दैट इज योर टाइमिंग थर्ड वन किधर हमको एफर्ट ज्यादा लगाने का है मतलब डायरेक्शन हम हमारे टीम मेंबर को डायरेक्शन दे पाएंगे ये पांच एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क है इधर बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा बाकी एरिया में नॉर्मल प्रोसीजर इधर रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो उधर हमको ज्यादा एफर्ट क्या करना पड़ेगा डालना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन टीम्स एफर्ट मतलब वेर वी बिलीव आर डायरेक्शन शुड मतलब यू नो आर एफर्ट शुड बी मोर डायरेक्टेड वेर वी वॉन्ट आर टीम मेंबर्स शु बी मोर फोकस किधर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए दैट इज योर टीम्स एफर्ट्स देखो आइडेंटिफाई कीजिए ऑफ जो क्या डिफाइन करता है मार्क द वर्ड स्कोप दूसरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जहां पर क्या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब व्हेन टू कम्युनिकेट एंड टू होम टू कम्युनिकेट किसे कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट को कब करोगे ड्यूरिंग द ऑडिट एज वेल एज आफ्टर द नंबर थ्री ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिधर हमको लगता है हमें हमारी टीम में एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट करना पड़ेगा मतलब स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन समझा क्या ऊपर जो डेफिनेशन में तीन वर्ड थे ना स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन तीनों बेक, एक एक पॉइंट बना दिया अगली बार याद रखने का पहला पॉइंट किसके ऊपर है स्कोप के ऊपर इस एंगेजमेंट का कैरेक्टर क्या है दूसरा पॉइंट किसके ऊपर है टाइमिंग के ऊपर तो तुम्हारे रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है कब बना करके देंगे रिपोर्ट कब शुरू करेंगे ऑडिट किसे कब कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा तीसरा डायरेक्शन किधर ज्यादा एफर्ट डालने का जरूरत है दैट इज माई पॉइंट नंबर थ्री इज ए बी सी क्लियर टू यू फोर्थ पॉइंट पता कहां से आ रहा है जो प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था याद है क्या पहले बोला ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पता चलेगा ये जब किया तभी समझ में आया था किधर रिश्त ज्यादा था अरे क्योंकि यहां पर हमने ऑडिट शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया था ना तो इसका रिजल्ट क्या आया था क्या हमें लगा था इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस में या रिस्क बहुत कम है इसके रिजल्ट के बेसिस पे समझेगा किधर हमको ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए सो पॉइंट नंबर फोर इज रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज नंबर फोर इज रिजल्ट ऑफ देखो मार्क द वर्ड रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जहां हमको लगता है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या पहले चार पॉइंट समझे क्या लास्ट वाला पॉइंट अलग डायरेक्शन में चलो भाई समझ गया पूरा ऑडिट में टाइमिंग क्या है स्कोप क्या है अब सोचो कितने रिसोर्सेज लगेंगे मतलब कौन कौन लोग लगने वाले हैं ऑडिट करने के लिए हाउ मेनी रिसोर्सेज आई नीड ट काइंड ऑफ रिसोर्स बहुत क्वालिटी एज वेल एस क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स रिसोर्स मतलब टीम में मुझे चार आर्टिकल चाहिए चार मैनेजर चाहिए क्यों सर क्योंकि मैंने स्कोप देखा टाइमिंग देखा डायरेक्शन देखा मेरे को लगता है चार आर्टिकल लगेगा मेरे को लगता है चार मैनेजर लगेगा मुझे लगता है दो सीनियर मैनेजर लगेंगे कहना से क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड कौन सा रिसोर्स कब लगेगा सबके सब पहले दिन नहीं लगेंगे एंड सबके सब, सब लास्ट डे भी नहीं लगेंगे कहना से वेन विल आई नीड दिल ऑल्सो चेंज तो आखिरी पॉइंट है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ मार्क द वर्ड रिसोर्सेस नेचर मतलब क्वालिटी टाइमिंग मतलब कब एक्सटेंट मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी एक्सटेंट नेचर इज क्वालिटी टाइमिंग कितने रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस एंड कब ये सब डिटरमाइन होता है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेज के ऊपर लिखो टीम मेंबर्स रिसोर्सेस के ऊपर लिखो टीम मेंबर्स अच्छा इसमें एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं अगर आपको लगता है जो हम खुद नहीं कर सकते तो उसके लिए एक्सपर्ट भी लेना पड़ेगा ना अपने को वो भी तो रिसोर्स का पार्ट बन जाएगा पर जनरली फोकस किसके ऊपर होता है टीम मेंबर्स के ऊपर क्या आपको पांच फैक्टर समझ में आए क्या वापस से दो मिनट के लिए पांचों फैक्टर्स को पढ़ो फिर इंडिविजुअली एक एक करके उनको उड़ाएंगे फटाफट से स्पेंड टू मिनट्स रीड द फाइव फैक्टर्स अब नीचे आओ देखो हर एक फैक्टर को डिटेल में लिखा है कौन सा वा वाला कौन सा है कौन कौन से ऐसे बिजनेस सेगमेंट है जो हम लोग करने वाले और जिसके लिए हमें स्पेशलाइज नॉलेज पड़ने वाली प्रीवियस ऑडिट के ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं क्या क्या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एग्जाम्पल बैंक ऑडिट बैंक ऑडिट में क्या होता है मतलब क्या है क्या कुछ हमारे स्कोप में क्या क्या है क्या हमें कंट्रोल चेक करना है कि नहीं चेक करने का है अगर कंट्रोल चेक करना तो कंट्रोल में सेपरेट रिपोर्ट देने का है क्या जैसे बैंकिंग कंपनी में भी आई एफ सी में रिपोर्ट आता है सो आई शुड नो हमारा ऑडिट के अंदर भाई स्कोप कैसे डिटरमाइन होगा कंपनी का एप्लीकेबल एफ आर क्या है हमें क्या स्पेसिफिक चीजों पे और रिपोर्ट बना के देना है प्रीवियस ऑडिट्स वगैरह के एविडेंसेस यूज कर सकते हैं कौन कौन से सेगमेंट हमें लगता है हम खुद चेक ही नहीं कर सकते है? हमें शायद ब्रांच ऑडिटर का जरूरत पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा ये सब चीजें मुझे हेल्प करेगी डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट उसमें चार पॉइंट नंबर थ्री याद रखना बस थर्ड में एबीसीडी एमसीक्यू के लिए आना चाहिए थर्ड का एबीसीडी एमसीक्यू के लिए आना चाहिए दूसरा चीज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ये मेरे को लगता है एसक्यू मार्क कीजिए इधर जरूर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका एक एंगेजमेंट में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब सर एंट्रीटी का टाइम टेबल क्या है उन्हें ऑडिट रिपोर्ट कब तक बना करके चाहिए इसके हिसाब से हम सोचेंगे हमारा ओवरऑल प्लान कैसे किया जाएगा काम का हम क्या मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे विद द ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट यस फिर सोचेंगे ना हमें क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने हैं विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी उन्हें क्या क्या रिपोर्ट बना के देना है कितना कम्युनिकेशन करना है ये सब कुछ कहां से आ रहा है ऐसे टू सिक्स टू सिक्सटी फाइव से आ रहा है याद है क्या ऑडिट के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट मिला कम्युनिकेट करना पड़ता है किस किस को टीसी जी एंड मैनेजमेंट को रिपोर्ट में कोई भी चीज इंक्लूड करने से पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है किसको टीसी जी एंड मैनेजमेंट को तो पहले से डिफाइन करके रखो टाइम टेबल पंद्रह अप्रैल को शुरू होगा

वो ऊपर वाले कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टीसी जी के साथ में थे आखिर में बोल रहा है कम्युनिकेशन विद इन द टीम भी होना चाहिए ना यार पता चले बारह पंद्रह लोग का टीम है टाटा मोटर्स का ऑडिट करने का है बॉम्बे में भी टीम बैठा है दिल्ली में भी टीम बैठा है पूना में भी टीम बैठा है समझ रहे हो मेरा बात इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम खुद ही टाइम पे काम खत्म नहीं कर पाएंगे अरे यस और नो फॉर एग्जाम्पल एंटीटी लाइक टाटा मोटर्स जो साइन पुना से होता है कभी कभी बट योर टीम ऑफ बॉम्बे एज वेल एज पुणे बोथ बिकॉज इट्स बिग लिस्टेड एंटिटी जिसके लिए सी वगैरह इंडिया से साइन होता है तो जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम मेंबर्स भी रखना पड़ता है यह सब कुछ आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा तब जाके आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे तो ऑडिट प्लान बराबर से परफॉर्म होगा इज दिस पॉइंट नंबर टू क्लेट यू नंबर थ्री क्या क्या फैक्टर्स जिधर आपको लगता है ज्यादा स्पेशल डायरेक्शन देने पड़ेंगे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सिंपल है यार इस इंडस्ट्री में हमें क्या लगता है रिस्क ज्यादा किधर है एग्जाम्पल सोचो बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी में किधर रिस्क होता है एनपीए NPA का प्रोविजन डोंट यू थिंक वो एक सिग्निफिकेंट एरिया बाई डिफॉल्ट अरे हाँ या ना? आज तक बैंकिंग कंपनी में एएस फॉलो होता है इंडेस फॉलो नहीं होता है तीन साल बाद में आरबीआई ने बोला कि भाई अब बैंकिंग कंपनी इंडेस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे डोंट यू थिंक दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन एप्लीकेबल से वो मेरे लिए उस साल इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा अरे बराबर है कि नहीं है या कोई भी नया डेवलपमेंट जो एक लीगल एनवायरमेंट को इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस को फॉर एग्जांपल एनबीएफसी बी का फ्रेमवर्क आरबीआई ने डेढ़ साल पहले चेंज किया था कैटेगराइजेशन ऑफ कैटेगरा बदल दिया तो मेरा बिजनेस का तरीका करने का जो काम है वो क्या हो गया चेंज हो गया ऐसी कोई भी चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है ऑडिट के दौरान मुझे और कॉशियस होना पड़ेगा और केयरफुल होना पड़ेगा वो फैक्टर्स नॉर्मली मेरे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं किधर ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है एंड ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन किधर हमको लगता है जॉन ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है रिस्क ज्यादा है वहां पर हमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा आई डोंट थिंक इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट स्टिल ये चार पॉइंट पता होने चाहिए किधर हम ज्यादा एरियाज और ज्यादा एफर्ट को डिवोट करना चाहेंगे इस फैक्टर नंबर वन टू तो थ्री टू यू फोर्थ वाला टाइम पास है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पूरा पढ़ा है आपको अभी जस्ट बताया ना आपको एबीसी टू ट्वेंटी से है यू कैन जस्ट इग्नोर नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्स रिसोर्सो यू कैन इग्नोर हाउ कैन वी इग्नोर सर क्योंकि नीचे आपको देख रहे हैं क्या बेनिफिट इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी को मार्क करो इंपॉर्टेंट और बाजू में लिखो आंसर इज रिलेटेड टू आंसर इज रिलेटेड टू नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज आंसर इज रिलेटेड टू नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस जो ऊपर के रिसोर्सेज है पूरे के पूरे वही बेनिफिट्स में आते हैं देखिए बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं बट एक्चुअली फोकस एक ही फैक्टर पे कर रहे हैं पांच फैक्टर में से ओनली वन फैक्टर नंबर वन क्या क्वालिटी के रिसोर्सेस आपको चाहिए कितना क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस चाहिए रिसोर्सेस कब चाहिए एंड रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करोगे क्वांटिटी क्वालिटी टाइमिंग एंड हाउ डू यू मैनेज दीज रिसोर्सेस। चारों के चारों पॉइंट किस पे डिपेंडेंट है नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इसीलिए बोला तो क्या पूछेगा? और पूछेगा, आंसर फैक्टर, फैक्टर पढ़ाए थे आपको उधर भी बताया था क्वान्टिटी क्वालिटी वेन मतलब टाइमिंग समझा क्या एंड इन तीनों का मैनेजमेंट इज दिस पढ़ लीजिए बेनिफिट्स एक बार इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए लॉजिकल लगते हैं जहाँ रिस्क ज़्यादा है एक्सपीरियंस टीम मेंबर को डालिएगा सब के सब लोग एक दिन नहीं लगेंगे लगने वाले हैं तो आप प्लान कीजिएगा वेन डू नीड मोर रिसोर्स एट द इनिशियल फेज ऑफ ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट या कंक्लूशन फेज ऑफ ऑडिट कब ज्यादा लोग लगेंगे अकॉर्डिंगली आप टाइमिंग डिटरमाइन कीजिएगा इंटरम ऑडिट स्टेज और की कट ऑफ डेट कट ऑफ डेट मतलब कंक्लूजन के पांच दिन पहले तक ये हमारा कट ऑफ डेट है उसके पहले बारे हमारा काम खत्म होना चाहिए तो वो कट ऑफ डेट तक आपको शायद ज्यादा लोग लगने वाले हैं उसके बाद शायद नंबर ऑफ रिसोर्स का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा फिर सर कितने रिसोर्सेज किस के, के लिए चाहिए हाउ मेनी आर्टिकल्स यू वॉन्ट हाउ मेनी सीनियर्स यू वॉन्ट हाउ मेनी मैनेजर्स यू वॉन्ट दट इज योर क्वांटिटी एंड इन सब लोगों को बराबर से मैनेज करना चाहिए डायरेक्शन देना चाहिए काम को क्या करना चाहिए सुपरवाइज करना चाहिए ये चीज हमारे लिए स्ट्रेटेजाइजिंग के लिए आसान हो जाएगा इफ वी नो

नेक्स्ट चीज चलिए प्लानिंग एक्टिविटी में तीन था पहला क्या था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दूसरा होता है ऑडिट प्लान सुनिएगा प्लान का आंसर बहुत सिंपल है प्लानिंग के लिए ना सबसे पहले होता है रिस्क को रिस्क को आइडेंटिफाई करके असेस करना ऐसे थ्री वन फाइव मतलब ऐसे थ्री वन फाइव जिधर रिस्क ज्यादा है कंट्रोल टेस्टिंग भी करोगे अमाउंट टेस्टिंग भी करोगे मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर प्लान का आंसर सिंपल है प्लान इंक्लूड्स थ्री वन फाइव

रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इसके अंदर आएंगे दो चीजें वन इज कॉल्ड एज कंप्लायंस प्रोसीजर एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज सबस्टेंटिव प्रोसीजर सो दिस इज योर एस ए थ्री वन फाइव And this is your essay 330. मतलब प्लानिंग में पहले थ्री वन फाइव लगाएंगे फिर हम डिसाइड करेंगे further audit procedure क्या, लगाना है। ये दोनों क्या बनता है ऑडिट प्लान बनता है हर एरिया में रिस्क असेसमेंट होगा हर एरिया में डिसाइड किया जाएगा क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है फिर बच्चों कुछ कुछ एरिया में स्पेसिफिक एसेज होते हैं जैसे कि रिलेटेड पार्टी के लिए स्पेसिफिक ऐसे फाइव फिफ्टी

मॉड्यूल्स काउंटो पेज नंबर वन बी पॉइंट सेवन रीड पॉइंट नंबर थ्री ऑर्डिट प्लान वेल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करेगा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लैंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर दैट इज एस वन फाइव दूसरा नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लैंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर दैट इज एस एर्टी थ्री वन फाइव थ्री थर्टी एंड दूसरा अदर प्लान प्रोसीजर्स इज रिक्वायर्ड एज पर स्पेसिफिक एसेस जो भी स्पेसिफिक एसे का रिक्वायरमेंट रहेगा क्योंकि ऑडिट तो कैसे करना है एज पर एसेस करना है ऊपर वाले दो चीज तो आ जाएंगे इसके अलावा बाकी चीजें भी स्पेसिफिक एसेस में आ सकती है ना हाँ तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनेगा ऑडिट प्लान बनेगा सो ऑडिट प्लान शुड इंक्लूड थ्री वन फाइव थ्री थर्टी एंड अदर एस एस के कंप्लाइंस के लिए वॉट एवर प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट प्लान सो डू यू अंडरस्टैंड वॉट इज स्ट्रैटेजी एंड वॉट इज प्लान येस आर दे इंटरलेटेड विदर ये

मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी क्योंकि इसमें क्या प्रोसीजर लगाना है वो सब कुछ आता है सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है इसीलिए बोलते हैं प्लान क्या होता है डिटेल में होता है सो वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लान एंड स्ट्रैटेजी आइए नीचे देखिए सर स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन लिख दिया प्लान का डेफिनेशन लिख दिया फिर देखो सेम चीज प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी सर कैन बी से दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये पॉइंट नंबर सिक्स को देखिए द स्ट्रेटेजी एंड डिटेल आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस कि पहले स्ट्रैटेजी खत्म करो उसके बाद ही बाद में प्लान शुरू होगा पर दोनों एक दूसरे से क्या है क्लोजली इंटर रिलेटेड है अगर एक में बदलाव आया तो दूसरे के अंदर भी इंपैक्ट आएगा पॉइंट नंबर वन टू थ्री एंड सिक्स चार पॉइंट को बाक कर लीजिएगा वन टू थ्री एंड सिक्स रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आ सकता है वापस से रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान वापस से पॉइंट नंबर थ्री को मार्के करके पढ़िएगा वापस से ऑडिट प्लान में क्या क्या आएगा एबीसी रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान टे टू हिस्सर थ्री हंड्रेड यहीं रोकेंगे अपन डिस्कशन कल कर कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर से ओवरव्यू देता हूं थ्री हंड्रेड में क्या पढ़ा सबसे पहले प्लानिंग क्या था मीनिंग ऑफ प्लानिंग उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझना था भाई प्लानिंग का फायदा क्या है बेनिफिट्स क्या है वाई ड्यू थिंक प्लानिंग इज नेसेसरी सर प्लानिंग अगर किया तो पूरा ऑडिट बराबर से इफेक्टिवली कंडक्ट हो पाएगा एफिशिएंटली कंडक्ट हो पाएगा ओवरऑल रिस्क को आप रिड्यूस कर पाएंगे ऑडिट रिस्क को इसीलिए प्लानिंग करना चाहिए एंड सर वाई डू यू थिंक फ्रॉम अ बी कॉम लेवल पॉइंट ऑफ यू प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट जो जो डिफिकल्ट एरियाज है उन पर आप पहले से बेटर अटेंशन दे पाएंगे प्रॉब्लम्स को जल्दी ढूंढ करके जल्दी रिजोव कर पाएंगे सही टीम मेंबर को सेलेक्ट कर पाएंगे उन्हें बढ़िया से डायरेक्शन दे पाएंगे उनके काम को सुपरवाइज एंड रिव्यू कर पाएंगे ये है रीजन की हमें प्लानिंग को करना चाहिए

ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है सर ये ऐसा स्ट्रेटजी है जो मेरे स्कोप को मेरे टाइमिंग को मेरे डायरेक्शन को सेट करने में हेल्प करेगा मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे गाइड करेगा हाउ टू डेवलप अ ऑडिट प्लान सर ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए पांच फैक्टर नंबर वन कैरेक्टर सिक्स ऑफ एंगेजमेंट जो क्या बताएगा स्कोप जो क्या बताएगा स्कोप दूसरा क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो बताएगा टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन तीसरा किधर हमारे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर रहा है मतलब मेजर डायरेक्शंस तीसरा इन एक्टिविटीज का रिजल्ट कंसिडर करना चाहिए हमने हमारे स्ट्रेटेजाइजिंग के दौरान बिकॉज इससे पता चलेगा किधर किधर रॉम ज्यादा है एंड आखिरी चीज कितने रिसोर्सेस चाहिए कब रिसोर्स चाहिए एंड कैसे रिसोर्सेस चाहिए इज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ पांचों फैक्टर किसके पार्ट है स्ट्रेटेजी के पार्ट है ऑडिट प्लान सिंपल है सर एंड जितने भी अदर के रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स है वो कंप्लाई करने चाहिए तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है ऑडिट प्लान आर दे बोथ इंटर रिलेटेड ये विच वन इज मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान क्योंकि इधर पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा क्या नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर लगाएंगे ये यह यहां लिखना पड़ता है यहां बस बोलते हैं इस एरिया में ज्यादा

एथिकल रिक्वायरमेंट विद इंडिपेंडेंस नंबर बी दूसरा क्वेश्चन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है एंड उसके पांच फैक्टर्स क्या है यह सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है यह आना चाहिए इसके अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे जरूर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है सबसे लास्ट वाला बेनिफिट्स जहां पे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड पे चारों मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया है रिपीट हो सकता है दिस पार्ट डेवलपमेंट ऑडिट प्लान डिस्क्रिप्शन आना चाहिए मेरे को वो भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता नहीं है बट आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटजी एंड प्लान ये भली एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट में आ सकता है बसता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम विल हैव टू डिवोट गुड 15 20 मिनट्स मे बी हाफ एन आवर कल आराम से इसको डिस्कस करके खत्म करेंगे फिर कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे आपको इसके अराउंड फिर हम अगले एसेज पे जाएंगे ये दो एसेज मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगते थे बिकॉज दोनों को सेपरेट चैप्टर बना करके इंक्लूड किया है वैसे ही कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट एसेज है मैं एवरीडे आइडेंटिफाई करूंगा मैसेज डालूंगा वही अगले दिन डिस्कस होगा अभी गुड इट इज ऑलरेडी वन टेन विल डू वन थिंगी और वन फोर्टी फाइव विल स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हाफ एन आवर लंच ब्रेक डोंट डीट अलॉट थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिट टमोरो सेम टाइम इलेवन थर्टी विल कंटिन्यू अब रोज सेम टाइम रहेगा पूरा का पूरा आई थिंक अभी कोई दूसरे लेक्चर्स है नहीं तो क्लास भी अवेलेबल है कोई दिक्कत नहीं है ये पूरा वीक ऐसे ही चलते जाएगा अभी गुड थैंक यू अब आई I'll see you for strategic management in 40 minutes. Thank you. Thank you online students.